सेक्शन नंबर 68, फेयर मार्केट वैल्यू। फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी और रेंट एसेट सर्विस बेनिफिट और परकुसिट एट अ पर्टिकुलर टाइम शैल बी द प्राइस विच द प्रॉपर्टी रेंट एसेट सर्विस बेनिफिट और परकुसिट वुड ऑर्डिनरली फेच ऑन सेल और सप्लाई इन द ओपन मार्केट एट दैट टाइम। इसका मतलब ये है कि फेयर मार्केट वैल्यू हम उस वैल्यू को कहेंगे जिस पर आप किसी खास वक्त पर मार्केट में जाकर इजीली खरीदारी कर सकते हैं या बेच सकते हैं किसी प्रॉपर्टी को, या रेंट पे एक्वायर कर सकते हैं किसी प्रॉपर्टी को, किसी एसेट को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, सर्विसेज को खरीद बेच सकते हैं, कोई बेनिफिट हो या कोई परक्विजिट हो। इसको बिल्कुल एक लाइन में ये हम कह सकते हैं कि फेयर मार्केट वैल्यू मीन्स ओपन मार्केट प्राइस, जिस पे आप मार्केट में जाते हैं और एक चीज आप खरीद लेते हैं। तो सब सेक्शन वन में ये कहा जा रहा है कि फेयर मार्केट वैल्यू आप उस चीज को, उस वैल्यू को कंसीडर कीजिएगा जिस पर आप ओपन मार्केट ओपन मार्केट से आप चीज खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं किसी खास टाइम के ऊपर। ये बिल्कुल एक जनरल कॉमन सी बात है, जनरल अंडरस्टैंडिंग है, हम अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी यही बात पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, सब सेक्शन टू में ये कहा जा रहा है कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी रेंट एसेट सर्विस बेनिफिट और परकुसिट शैल बी डिटरमाइंड विदाउट रिगार्ड टू एनी रिस्ट्रिक्शन और ट्रांसफर और टू द फैक्ट दैट इट इज नॉट अदरवाइज कन्वर्टेबल इनटू कैश। मतलब इसका यह है कि आप किसी एसेट की वैल्यूएशन कर रहे हैं, फेयर मार्केट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो भले वो एसेट कन्वर्टेबल है यानी ट्रांसफर हो सक रहा है या नहीं हो सक रहा, कोई उस पर लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू उसकी आप ऐसे वर्कआउट करते हुए ये तस्वुर कर लीजिएगा कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक घर मॉर्गेज हुआ हुआ है बैंक के पास। अब जब मॉर्गेज हुई भी होती है प्रॉपर्टी तो वो ट्रांसफर तो नहीं हो सकती किसी दूसरे के नाम पर जब तक मॉर्गेज खत्म ना करा ली जाए बैंक से। लेकिन आप अगर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप इस चीज को नजरअंदाज कर दीजिएगा कि कोई रिस्ट्रिक्शन मौजूद है। इसी तरह अगर कोई आपके पास कन्वर्टेबल टू कैश, अगर कोई ऐसा एसेट है वो कन्वर्टेबल टू कैश है या नहीं, आप इस फैक्ट को भी नजरअंदाज कर दीजिएगा। दोबारा एक दफा पढ़ लेते हैं। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी बेनिफिट्स और परपोसेस शैल बी डिटरमाइंड विदाउट रिगार्ड, यानी आपने नजरअंदाज कर देना है टू एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर, ट्रांसफर पे कोई रिस्ट्रिक्शन हो, या टू द फैक्ट दैट इट इज नॉट अदरवाइज कन्वर्टेबल टू कैश, कि भाई वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ठीक है, भले ना हो सके, भले रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हो, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू वो होगी जो कि ओपन मार्केट प्राइस होती है। आप मार्केट में जाते हैं इजीली जाकर जिस प्राइस पे किसी खास वक्त में आप चीज को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, या कोई रेंट रेंट पे आप कोई चीज ले सकते हैं वगैरह वगैरह। तो आपकी अभी तक हमने सिर्फ ये बात, इन दोनों का खुलासा ये है कि ओपन मार्केट प्राइस जो है आपकी फेयर मार्केट वैल्यू है, यहां तक अभी तक हमने यही बात की है। कोई रिस्ट्रिक्शन भी आड़े सामने नहीं आ सकती इस बात के। चल, यहां तक पढ़ने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जो वर्ड प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का मतलब क्या आ रहा होगा आपके दिमाग में? दुकान, मकान, बिल्डिंग, फैक्ट्री। लेकिन इसका मतलब है इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हमारे ध्यान में आ रहा है कि वो शामिल है यहां तक, ठीक है। लेकिन सब सेक्शन तीन में आप आएंगे तो यहां से हमें पता चलता है कि वन और टू में इमूवेबल प्रॉपर्टी शामिल नहीं है। वन और टू में इमूवेबल प्रॉपर्टी शामिल नहीं है। सब सेक्शन तीन, वेयर द प्राइस अदर देन द प्राइस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रेफर्ड इन सब सेक्शन वन। ये देखें, सब सेक्शन कह रहा है वो प्राइस जो कि सब सेक्शन वन में बताई गई है, उसमें से क्या निकालना है? इमूवेबल प्रॉपर्टी की प्राइस अदर देन द प्राइस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसका मतलब है वन और टू, सब सेक्शन वन और टू की जो बात की जा रही है, सॉरी वन की जो बात, टू तो खैर एक अलग बात, एक चीज को एक्सप्लेन किया जा रहा है। वन की जो बात की जा रही है, वन में क्या ये कहा जा रहा था कि ओपन मार्केट प्राइस है किसी खास टाइम पे, तो वन में ये कहा, टू थ्री में ये कहा जा रहा है कि वन में जो प्राइस की बात की जा रही है वो तमाम एसेट्स की बात की जा रही है, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टीज नहीं है, गैर मनकूला जायदाद की प्राइसिंग फेयर मार्केट वैल्यू वन की तरीकाकार से नहीं निकलेगी। वो कैसे निकलेगी, अब हम आगे देखते हैं। वेयर द प्राइस अदर देन द प्राइस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रेफर टू इन सबसेक्शन वन इज नॉट ऑर्डिनरली एसर्टेनेबल सच प्राइस मे बी डिटरमाइंड बाय द कमिश्नर। एक मिनट रुकिएगा, मैं जरा अपनी पोजीशन बेहतर करूं। अच्छा, दोबारा पढ़ें। सबसेक्शन तीन, वेयर द प्राइस अदर देन द प्राइस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रेफर्ड इन सबसेक्शन वन इज नॉट ऑर्डिनरली एसर्टेनेबल। कह रहे हैं कि सबसेक्शन वन में जो प्राइस दी गई है इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा, ठीक है, अगर वो आप एसर्टेन नहीं कर पा रहे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई पेंटिंग है, कोई गाड़ी है, कोई घड़ी है, कोई फर्नीचर है, या कोई और आपके पास कोई बेनिफिट है, आप अगर उस चीज की खुद फेयर मार्केट प्राइस वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी को निकाल दिया, बस ये याद रखें। अभी जो तीन में सिर्फ ये बात हो रही है
कि भाई वन में से इमूवेबल प्रॉपर्टी को निकालो, और अब ये सोचो कि अगर आप लोग खुद यानी कि एज अ टैक्स पेयर आप इन में से किसी चीज की, किसी एसेट की, किसी गाड़ी, कोई भी चीज हो सकती है, अगर आप उसकी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप उसकी फेयर मार्केट वैल्यू खुद वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं ना, यानी उसको ऑर्डिनरली एसेट एसेट एनेबल मतलब वो वर्कआउट नहीं हो पा रही, उसकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो पा रही, तो क्या होगा? अब आपने हाथ उठा लिए तो क्या होगा? कमिश्नर डिटरमाइन करके देगा कि भाई इसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। तो लिहाजा आप डिटरमाइन कर लें उस चीज की वैल्यू, अगर आप नहीं करेंगे, अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, बार 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 मैं ये बात बोल रहा हूँ, तो फिर क्या होगा? कमिश्नर आपको वर्कआउट करके दे देगा। आप एक गाड़ी की वैल्यू वर्कआउट नहीं कर पा रहे, पता नहीं 6 लाख की है, पता नहीं 8 लाख की है वैल्यू, ये बाहर इतनी इन्फ्लेशन हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, टैक्सेस लग गए, फला हो गया, आप नहीं वर्कआउट कर पा रहे, तो ठीक है कमिश्नर आपको वर्कआउट करके दे देगा। तो और जो कमिश्नर वर्कआउट करके देगा बस वो फाइनल होगी, तो लिहाजा आप खुद कर लें। अब आ जाते हैं सबसेक्शन 4 के ऊपर। अब सबसेक्शन 4 जो है ना, अभी तक यहां तक हमने 3 तक बात कर ली, इमूवेबल प्रॉपर्टी को उसने निकाल दिया, तो इसका मतलब है 1, 2, 3 में तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का ताल्लुक ही नहीं आया। तो अब इसका मतलब है इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। आप फॉलो कर रहे हैं, मुझे समझ आ रही है? ठीक, जी, सबसेक्शन 4, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, इसका मैंने आपको पहले भी बताया था नॉट विद स्टैंडिंग का, यानी इसको आप यूं कहेंगे कि सबसेक्शन 1 में और 3 में, ये जो 1 था और ये जो 3 था हमने पढ़ा, इसमें कुछ भी लिखा हो आप उसको डिसरिगार्ड कर दें, और क्या करें, द बोर्ड में यानी एफबीआर का जो बोर्ड है, बोर्ड में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट डिटरमाइन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द एरिया और एरियाज एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में कहा जा रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू वो नहीं होगी जिस प्राइस पे मार्केट में चीज आप जाकर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक बिल्डिंग 2 करोड़ रुपए की मिल रही है, मैं मालिक हूँ, आप मेरे पास, काजिम मेरे पास आए और कहा भाई ये 2 करोड़ ले लो और ये बिल्डिंग मुझे दे दो, तो क्या आप ये कहेंगे फेयर मार्केट वैल्यू है बिल्डिंग की? नहीं, ये फेयर मार्केट वैल्यू नहीं है बिल्डिंग की। सबसेक्शन 4 में कहा जा रहा है कि आप ये देखें कि बिल्डिंग जिस एरिया में मौजूद है, इस एरिया के लिए एफबीआर यानी बोर्ड ने क्या वैल्यू मुकर्र की है, उसको हम कहेंगे इस इमूवेबल प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू, ये मतलब है। नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 एंड 3, ऊपर कुछ भी लिखा है छोड़ दीजिए उसको, 1 एंड 3 में द बोर्ड में, बोर्ड क्या करेगा, फ्रॉम टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन देगा और ऑफिशियल गैजेट करेगा, उसमें क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, आपको ये याद होगा, ये चीज तो आप लोगों को मालूम ही है कि पहले ये होता था कि एक्चुअल प्राइस 100 रुपए होती थी प्रॉपर्टी की और एफबीआर की वैल्यू 20 रुपए होती थी, 80 रुपए ब्लैक मनी सर्कुलेट करती थी प्रॉपर्टीज के अंदर। उसके बाद एफबीआर ने रियलाइज किया, आहिस्ता आहिस्ता इस वैल्यू को 40% पे लाए, 50 पे लाए, और आजकल तकरीबन 60-65% पर, 70% पर प्रॉपर्टी की वैल्यू बोर्ड लेकर आ गया है। उससे ये होता है कि ब्लैक वैल्यू कम से कम अब प्रॉपर्टी सेक्टर में जाती है, लेकिन बहरहाल अभी भी गैप मौजूद है। अच्छा, यहाँ मैं रुकता हूँ सबसेक्शन 4 में। अब आपके जहन में ये आना चाहिए कि भाई ये कहाँ पर, कहाँ से मिलेगा फिर हमें, ये चीज़ कहीं तो होनी चाहिए ना। अब मैं आपको ये नोटिफिकेशन दिखाता हूँ कि ये नोटिफिकेशन कहाँ पे होते हैं। आप तो स्क्रीन नजर आ रही है मेरी नई स्क्रीन, जी सर, आ रही है। ये देखें, आप एफबीआर की वेबसाइट पे जब आते हैं, एफबीआर की वेबसाइट पे आप आएंगे तो आपको एक टैब नजर आएगा, ये रहा ग्रीन कलर का, वैल्यूएशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर मैं आपको कहूं टेक्निकली कि भाई ये ग्रीन टैब क्या है, तो आप बोलेंगे भाई ये सेक्शन 68 का सबसेक्शन 4 है। ठीक है, इसको आपने क्लिक किया, जब आप क्लिक करते हैं तो देखिए ये देखें, हर सिटी के एरिया की वैल्यूएशन की भी है। देखिए एबटाबाद पे क्लिक करेंगे तो एबटाबाद की वैल्यूएशन आ जाएगी, अटक, बावल नगर, चकवाल, डेरा इस्माइल खान। अब मसलन मैं कराची देखना चाहता हूँ, मैं कंट्रोल एफ करता हूँ कराची, ये देखिए कराची पे मैं आ गया। अगर मैं कराची पे क्लिक करूंगा तो अब आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि कौन सा लेटेस्ट वाला है। होता ये जो लेटेस्ट होता है उसमें कोई चेंज होती है तो उसको खाली यहाँ पे अटैच कर दिया जाता है, वरना अगर बिल्कुल ऑल टुगेदर नई वैल्यू आएगी तो ये यहाँ से हटा दिए जाएंगे और नए डाल दिए जाएंगे। अब देखिए ये है लास्ट वैल्यूएशन कब हुई है, देखें 3 फरवरी 2022, इसको आप डाउनलोड कर लेते हैं हम, क्या है ये देखें 3 फरवरी 2022 में लास्ट वैल्यूएशन उन्होंने हमें दी है, इसको हम बड़ा कर लेते हैं, और ये अमेंडमेंट आई है इसमें, ये देखें SRO 345, इसमें चेंज आई, अमेंडमेंट इन SRO 345 पे क्लिक कर लें तो यहाँ जो भी चेंज आई है आप बहरहाल उसको भी देख सकते हैं। तो हम अभी क्या करते हैं, यहाँ कुछ चेंज आई होगी, हम इस चेंज को अभी देखने के बजाय हम सिर्फ इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। अब कराची का अगर हम नोटिफिकेशन देखें, इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक टेबल बना दिया और कैटेगरी बना दी कि भाई अगर कोई प्रॉपर्टी A1 कैटेगरी की है और वो रेजिडेंशियल ओपन प्लॉट है तो पर स्क्वायर यार्ड उसका रेट ये होगा। इसी तरह हर एक की बारे में बता दिया। अब हम एक काम करते हैं, हम एक वैल्यूएशन करके देखते हैं।
ए डैश वन 73,125। लेट से अगर आप काजिम भाई का ओपन प्लॉट है, ठीक है, और ओपन प्लॉट हम आगे बढ़ते हैं, ओपन प्लॉट इनका है अब्दुल्ला हारून रोड पे, तो अब्दुल्ला हारून रोड पे रेजिडेंशियल कैटेगरी क्या है, वन है, रेजिडेंशियल कैटेगरी वन। और इसी तरह से आप देखते जाएं आगे, देखें चेंज होते जा रहे हैं, यहाँ रेजिडेंशियल के हर अमीनाबाद पे थ्री है, कमर्शियल फला, तो हर एरिए का कैटेगरी चेंज है। तो अगर हम इसको देखें, अगर काजिम भाई का ये जो रेजिडेंशियल कैटेगरी में वन पर है, वन आ रहा है, और अब्दुल्ला हारून रोड पर है, तो किस तरह वर्किंग होगी इसकी, ये देखें ये वन आ गया। आप इस तीन तीसरी लाइन में आ जाएंगे, अगर वो लेट्स से 1,000 स्क्वायर यार्ड का वो प्लॉट है, तो सिंपल क्या करेंगे आप, 1,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे प्लॉट है तो 45,000 से, अगर बिल्ड अप प्रॉपर्टी है तो 56,250 से, तो आपको आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो अगर हम करते हैं, लेट सपोज कैलकुलेट करते हैं, 45,000 मल्टीप्लाई 1,000 स्क्वायर गज, तो ये बन गया 4,50,00,000। नॉर्मली 120 गज की कटिंग होती है कराची में, तो ये आ गया 54 लाख। 54 लाख रुपए का ओपन प्लॉट है आज की तारीख में। हम बात करें कहाँ पर, हमने जो एक चीज बात की, अब्दुल्ला हारून रोड पे अगर आपकी कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है 120 गज की, तो उसकी वैल्यूएशन क्या आ रही है एफडीआर की, 54 लाख। लेकिन एक्चुअल में कितने का बिक रहा होगा, एक्चुअल में एक नॉर्मल इलाके के अंदर जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है 120 गज की, आमतौर से प्लॉट की, वो 70-80 लाख रुपए है। तो कहीं पर 1-1.30 करोड़ भी है, कहीं पर 2 करोड़ भी है, कहीं से ज्यादा भी है सोसाइटीज में। लेकिन अब्दुल्ला हारून रोड की एफबीआर की वैल्यूएशन हम देख रहे हैं कितनी आई है, 54 लाख। कैसे निकाला हमने, 120 गज को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 45,000 से। तो ये एक हमने छोटी सी इसके ऊपर इलस्ट्रेशन अभी बात की है, लेकिन जाहिर है इसके अंदर और भी काफी सारी बातें हैं, यहाँ पर और भी चीजें हैं। तो जब आप, अगर आप इस पर थोड़ा सा उबूर होगा, आप इस पर वर्किंग कर रहे होंगे, तो बहरहाल आप इस पर आपकी एक्सीलेंस हो जाएगी। आमतौर से इसको हम निकाल नहीं रहे होते, बहुत आसान तरीका होता है, एफबीआर की वैल्यू जिस पे टैक्स कटा होता है वो एफबीआर ही की वैल्यू होती है, नंबर वन। नंबर टू, जिस वैल्यू पे आपका स्टेट एजेंट एग्रीमेंट करा रहा होता है वो भी एफबीआर की वैल्यू ही होती है। रजिस्ट्रार आपको बहुत आसानी से बता देता है, वकील आपको बहुत आसानी से बता देता है, वो लोग बहुत ज्यादा यूज टू होते हैं। तो बस यहाँ पर इतना ही मुझे इंट्रोडक्शन देना था, अभी इस नोटिफिकेशन की कैलकुलेशन से हम बात नहीं कर रहे, एक छोटी सी मैंने आपको कैलकुलेशन करके बता दी। इसमें मजीद तफसील भी फिर होती है कि भाई अगर 2 मंजिल है, 3 मंजिल है, तो कैसे वैल्यूएशन होगी, अगर एक प्रॉपर्टी बनी हुई है 40 साल पुरानी है, 50 साल पुरानी है, तो रेट की रिडक्शन भी इसके अंदर है कराची के अंदर। तो बहरहाल और तफसील भी है, लेकिन हमने एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ से हासिल कर ली। अब दोबारा हम आ जाते हैं अपने सेक्शन के ऊपर, यहाँ तक क्लियर हो गया, उसके बाद हम आ जाते हैं सब सेक्शन 5 पे। वेयर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ एनी एरिया ऑफ एरियाज और एरियाज हैज नॉट बीन डिटरमाइंड बाय द बोर्ड इन द नोटिफिकेशन रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 4। अब जो मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखाए, सपोज कर लें आपका कोई ऐसा एरिया है कि एफबीआर ने उसकी वैल्यू अभी तक नहीं बताई, और ऐसे एरियाज बिल्कुल है, तो क्या होगा, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू बी द वैल्यू फिक्स्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू और प्रोविंशियल और एनी अदर अथॉरिटी ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ फॉर द पर्पस ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। एक एक्ट है, स्टैम्प ड्यूटी एक्ट है, जब भी आप प्रॉपर्टी लेने जाते हैं 1% आपका स्टैम्प ड्यूटी लगती है। तो स्टैम्प ड्यूटी जिस वैल्यू पे वर्कआउट हो रही होती है उस वैल्यू को कहते हैं डीसी वैल्यू, और पूरे पाकिस्तान के हर इलाके की ये वैल्यू मौजूद है। तो ये कहा जा रहा है कि अगर आपकी फेयर मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, बोर्ड ने नहीं दी, तो फिर आपकी प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी, ये डीसी वैल्यू होगी। कौन सी वैल्यू, जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू या प्रोविंशियल अथॉरिटी ने आपको दी है, जो किस पर्पज के लिए इस्तेमाल होती है, स्टैम्प ड्यूटी पर्पज के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसका मतलब हुआ इमोबल प्रॉपर्टी के केस में फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी, जो बोर्ड ने बताई है नोटिफिकेशंस में, हमने देख ली नोटिफिकेशंस, नंबर वन, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो डीसी वैल्यू जो कि स्टैम्प ड्यूटी के लिए होती है वो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी, जो कि दायरे और कम होती। तो यहां तक हमने बात कर ली सेक्शन 68 सब सेक्शन 1, 2, 3, 4 एंड 5 की। अब हम आगे बढ़ते, इसकी भी बात हो गई, अच्छा जी, अब आ जाते हैं सबसेक्शन 6। सबसेक्शन 6 ये बता रहा है कि ये जो आप फेयर मार्केट वैल्यू बना निकाल रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, इस ऑर्डिनेंस में इसका यूज क्या है। जाहिर है हम इतनी देर से बात कर रहे हैं फेयर मार्केट वैल्यू इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ऐसे निकलेगी, अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ऐसे निकलेगी, तो इसका पर्पज क्या है। तो ये सबसेक्शन 6 जो है इसके 4 मकासिद बयान करता है, इस वैल्यू को निकालने के 4 पर्पज हैं जो आपके जहन में होने चाहिए। नंबर वन, In respect of immovable property, component A of the formula in subsection 2 of section 37. इसको देखते हैं क्या है, section 37 पे हम पहुंचते हैं, ये क्या है, अच्छा section 37 मैंने सर्च किया हुआ है, ओके ये आ गया। ये देखिए
सेक्शन 37 क्या है? ये कैपिटल गेन है, इसका रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दे दिया गया है। एक आदमी ने अभी तक मुझसे कोई इस पे सवाल नहीं किया, इट इज एज्यूम किसी ने अभी तक इसको देखा नहीं, वरना सवाल किसी का नहीं आया अभी तक। और दूसरा ये है कि सबने देख लिया और सबको समझ आ गया, सबका कोई सवाल नहीं। अच्छा, इस 37 में क्या होता है, कैपिटल गेन का मुख्तसर खुलासा बताता हूँ। आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, अब हम कैपिटल गेन तो प्रॉपर्टी पे भी आता है और अदर देन प्रॉपर्टी चीजों पर भी आता है, अदर एसेट्स पर भी आता है, लेकिन हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टी के केस में क्या होता है, आपने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, 1 साल रखी, वो 3 करोड़ की हो गई, आपने 3 करोड़ की बेच दी और 3 करोड़ में से 2 करोड़ माइनस किया, 1 करोड़ आपका गेन आ गया। वो गेन कैसे वर्कआउट होता है, इस फॉर्मूले से वर्कआउट होता है, ये जो सबसेक्शन 2 में लिखा है। क्या फॉर्मूला है? ए का मतलब है कंसिडरेशन रिसीव, ये क्या होती है कंसिडरेशन रिसीव, जो आपने प्राइस पे आपने बेचा, और बी क्या होता है जो कॉस्ट है। तो मैंने जो आपको सीधी सीधी एग्जाम्पल दी कि भाई 3 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, बेची आपने, तो क्या होगा 3 करोड़ कंपोनेंट ए क्या होगा, तीन ए कंपोनेंट ए 3 करोड़, और कंपोनेंट बी क्या है 2 करोड़ की आपने खरीदी थी। इसमें तफसील है लेकिन अभी हम आसान रख रहे हैं, वो कैपिटल गेन के लेक्चर में हम तफसील देख चुके हैं। बी के अंदर क्या है, जितने की हमने प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो प्रॉपर्टी 2 करोड़ की खरीदी थी, इसमें तफसील एक ये है कि कॉस्ट के सेक्शन के अंदर ये भी है कि जितने की आपने प्रॉपर्टी खरीदी और खरीदते हुए और बेचते हुए जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इनकर हो जाते हैं, वो भी कॉस्ट का पार्ट बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपने प्रॉपर्टी 2 करोड़ की खरीदी थी और उसके साथ कुछ खर्चे मर्चे, टैक्स वैक्स कमीशन वगैरह जो आ गया आपका, वो भी आप ऐड कर देते हैं इसके अंदर, और बेचते हुए भी अगर कुछ खर्चे वर्चे आपके हुए हैं तो वो भी आप ऐड कर देते हैं कॉस्ट के अंदर। तो खरीदते वक्त और बेचते वक्त जो भी इंसिडेंटल कॉस्ट आती है वो भी आप ऐड कर देते हैं। अच्छा, फिर ड्यूरिंग जब तक आपने इस प्रॉपर्टी को रखा, उस पर कोई आपने एडिशन किया है जिससे उसकी लाइफ बढ़ गई है, तो वो भी आप पी के अंदर ऐड कर देते हैं। तो मसलन 2 करोड़ की आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी, 1 लाख खरीदते हुए कुछ खर्चा आया, 1 लाख बेचते हुए खर्चा आया, और 8 लाख रुपए का आपने उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करा लिया था, तो अब आपकी वैल्यूएशन क्या हो जाएगी, 2 करोड़ 10 लाख रुपए। तो 3 करोड़ की बेची तो 2 करोड़ 10 लाख माइनस किया, तो आपका कैपिटल गेन आ जाता है 90 लाख रुपए। फिर कैपिटल गेन के अंदर हम देखते हैं कि होल्डिंग पीरियड क्या है, रेट क्या है, वो तो हम अभी बात नहीं करते, वो तो हम उसमें बात कर चुके हैं। हम ये समझना चाह रहे हैं कि सेक्शन 68 सबसेक्शन 6 के क्लॉज I(1) के अंदर जो लिखा है कि कंपोनेंट ए के लिए, कंपोनेंट ए क्या होगा, कंपोनेंट ए फेयर मार्केट वैल्यू होगी, जो कि कंपोनेंट ए क्या होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंपोनेंट ए, एक मिनट रुकिएगा, ये किसी कनेक्टिविटी कहाँ बन रही है, ये बन रही है, इसको हम ग्रीन कर देते हैं, इसको यूं पढ़ेंगे, इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कंपोनेंट ए ऑफ द फॉर्मूला इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 37 शैल नॉट बी लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू एज डिटरमाइंड अंडर सबसेक्शन 4 एंड 5। अब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर लें, तो क्या मतलब हुआ कि जो ये जो आप अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, अब मिसाल के तौर पर मार्केट प्राइस है आपकी लेट सपोज 100 रुपए की, 2-3 करोड़ की, और फेयर मार्केट वैल्यू है 2 करोड़ की, और आपने सौदा कर लिया, आप सियाणे बन रहे थे, आपने कर लिया 50 लाख का, तो और आपने ए की जगह 50 लाख लग दिया, नहीं ये बात गलत, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ये जो ए कॉम्पोनेंट है ये कम नहीं हो सकता, जो फेयर मार्केट वैल्यू है जो बोर्ड ने मुकर्र किया उससे कम नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब हुआ, ज्यादा तो हो सकता है, ये देखिए दोबारा पढ़े, गौर से पढ़े, इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कंपोनेंट ए ऑफ द फॉर्मूला शेल नॉट बी लेस देन द फेयर मार्केट वैल्यू एज डिटरमाइंड बाय द बोर्ड। इसका मतलब ये है कि आपने एक प्रॉपर्टी 3 करोड़ की बेची है और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो कि बोर्ड ने मुकरर की वो 3 करोड़ थी, तो ठीक है आपने ए सही लिया, लेकिन आपने एक्चुअल सौदा किया 4 करोड़ रुपए का और फेयर मार्केट वैल्यू थी 3 करोड़ रुपए की, तो अब ए कंपोनेंट क्या आएगा कासिम भाई, 4 आएगा या 3 आएगा? सर 4 करोड़ आएगा ना, जो फेयर मार्केट हाँ, वैल्यू 4 करोड़ आएगा, है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये बात लिखी गई है कि ये वैल्यू कम नहीं हो सकती, ज्यादा तो हो सकती है, तो आपकी जो एक्चुअल वैल्यू अगर फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पे सौदा हुआ है, तो कंपोनेंट ए सेक्शन 37 के लिए आप 4 करोड़ रखेंगे और 4 करोड़ से अपनी कॉस्ट निकाल के गेन वर्कआउट करेंगे। तो क्लॉज I(1) समझ आ गया आपको ये चीज का, जी सर बिल्कुल सही है चलिए सर। अगर, चलिए जबरदस्त। अच्छा, दूसरा पर्पस क्या है इस फेयर मार्केट वैल्यू का, दूसरा पर्पस ये है कंसिडरेशन रिसीव एज मेंशन इन डिवीजन एक्स ऑफ पार्ट 4 ऑफ फर्स्ट शेड्स कैजुअल। फर्स्ट कैजुअल हमने पढ़ा हुआ है, वहां टैक्स रेट्स होते हैं, ये किसी टैक्स रेट की तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि कोई टैक्स अदा होना है और उस टैक्स अदा करने के लिए क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू होनी चाहिए, और इसको भी यूं पढ़े, इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडरेशन रिसीव एज इतना 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 इतना, डिवीजन एक्स क्या है, मैंने निकाल के पहले ही रखा है, ये देखें डिवीजन एक्स, डिवीजन एक्स क्या है, एडवांस टैक्स ऑन सेल और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। आप जब चीज अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, आपको एक टैक्स देना पड़ता है, और इसके ऊपर हमने आपसे एक लेक्चर भी शेयर किया हुआ है सेक्शन 236 और 236 के नाम से, और बहुत तफसील में बताया है फाइलर का रेट, नॉन फाइलर का रेट, अगर नॉन रेजिडेंट होगा तो क्या रेट लगेगा, और उसकी उसका यानी ट्रीटमेंट क्या होगा, मिनिमम टैक्स की सूरत में है, फाइनल टैक्स की सूरत में है, नॉर्मल टैक्स की सूरत में है,
तो यहाँ तो हम ये बात कर रहे हैं कि कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, तो 236 जब आप अदा करेंगे तो किस वैल्यू पे करेंगे? द रेट ऑफ टैक्स टू बी कलेक्टेड अंडर सेक्शन 236C शैल बी 3%, और ये 3% कहाँ रेफर हुआ हुआ है? ये किस वैल्यू? यहाँ तो वैल्यू नहीं दी हुई ना, अगर आप सिर्फ डिवीजन को पढ़े या सेक्शन 236C को पढ़े, वहां तो वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू आपको कहाँ बताई जा रही है? वैल्यू आपको यहाँ बताई जा रही है सेक्शन नंबर 68 के अंदर, कि इस डिवीजन एक्स के लिए जो 3% की वैल्यू है, नॉन फाइलर के लिए आपको पता है 10.5 है, तो जो वैल्यू है वो क्या होगी? कंसिडरेशन रिसीव बताया गया ना, कंसिडरेशन रिसीव पे ये टैक्स लगेगा 3%, और कंसिडरेशन रिसीव को कहाँ बताया गया है? कंसिडरेशन रिसीव को सेक्शन नंबर 68 में बताया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफबीआर नॉर्मल क्या होता है मार्केट के अंदर? मार्केट के अंदर ये ख्याल नहीं रखा जा रहा, अगर जैसे हमने अभी एक इलस्ट्रेशन की, 4 करोड़ का सौदा है, एफबीआर की वैल्यू 3 करोड़ की है, तो हमने पहले बात की गेन तो 4 करोड़ के हिसाब से वर्कआउट होगा, 3 करोड़ के हिसाब से नहीं होगा। हाँ, आपने अगर एग्रीमेंट 1 करोड़ का बना दिया तो 37 के लिए कंपोनेंट है 2 करोड़ ही होगा, जो कि फेयर मार्केट वैल्यू है, जो कि बोर्ड ने मुकरर की है, बोर्ड की मुकरर के करदा प्राइस से आप नीचे नहीं जा सकते। इसी तरह कंसिडरेशन रिसीव जो है, आप नॉर्मल क्या हो रहा होता है, एफबीआर की प्राइस पे ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो अगर आप फॉर प्रैक्टिकल पर्पज देखेंगे तो जो रजिस्ट्रार बैठे हैं या डीएचए अथॉरिटी बैठी है या बैरी अथॉरिटी, वो लोग क्या करते हैं, देखते हैं हम जो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं उसकी एफबीआर की प्राइस क्या है, वो एफबीआर की प्राइस के ऊपर ये 3% का रेट वर्कआउट कर लेते हैं। हालांकि ये किया जा सकता है, वो देखें भाई एक्चुअल सौदा कितने का है, आप बहरिया में या डीएचए में करने जाए वो एक्चुअल सौदा एग्रीमेंट देख भी नहीं रहे होते, बस फेयर मार्केट जो एफबीआर की वैल्यू होती है उसके ऊपर वर्किंग कर लेते हैं अपनी और 3% काट लेते हैं। हालांकि अगर एक्चुअल एग्रीमेंट को देखा जाए तो वो ज्यादा की भी हो सकती है, कम की तो नहीं हो सकती, वो ज्यादा की हो रही होती है। तो लेकिन फॉर प्रैक्टिकल पर्पज जो टैक्स रेट पे किया जा रहा होता है वो 3% एफबीआर की वैल्यू पे दिया जा रहा होता है। तो एक पर्पज ये आपका हो गया, और 1 मिनट की हमारी ये रह गई। क्लॉज 3 क्या है? वैल्यू ऑफ इमुअल प्रॉपर्टी, यहाँ कंसिडरेशन रिसीव को बताया गया था क्या होती है, और हमने रेफर कर लिया 236C। और क्लॉज 3 में क्या है? वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एज मेंशन्ड इन डिवीजन, ये इस डिवीजन को भी हम देख लेते हैं, डिवीजन नंबर X53। तो ये हो गया डिवीजन नंबर, आई थिंक ये 18 बन जाएगा, X10 को कहते हैं, V5 को, और 3 तो 18 हो गया। ओके, पार्ट 4 ऑफ फर्स्ट कैजुअल। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये रहा डिवीजन 18 और फर्स्ट कैजुअल है। अब यहाँ पे क्या है, रेफर किया जा रहा है, जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो आपको मालूम है एडवांस टैक्स 236K अदा करते हैं, कितना देते हैं? 3% का, और ये क्या है? ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू, 3% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू दिया है। अब यहाँ इसको भी आप पढ़ेंगे और 236K को भी आप पढ़ेंगे ना, आपको वैल्यूएशन नहीं मिलेगी। तो वैल्यूएशन कहाँ से मिलेगी आपको? वैल्यूएशन यहाँ लिखी हुई है। अच्छा, यहाँ लिखा है वैल्यू ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी और यहाँ पर लिखा है फेयर मार्केट वैल्यू, तो ठीक है यहाँ इस तरह लिखा है, कोई बात नहीं, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। हालांकि यहाँ पर लिखा था इन्होंने कंसिडरेशन रिसीव, ये वर्ड कंसिस्टेंट था हमारे यहाँ से, तो ये वैल्यू ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी अगर यहाँ लिख देते यहाँ पर तो कंसिस्टेंसी हो जाती लैंग्वेज में, लेकिन चले कोई बात नहीं, बात तो एक ही है। तो अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि फेयर मार्केट वैल्यू, और फेयर मार्केट वैल्यू की बहस अगर हम करें तो क्या है फेयर मार्केट वैल्यू? तो वही है जो एफबीआर की प्राइस है। तो इसका मतलब है जब आप परचेज करने जाते हैं तो आपका जो टैक्स फॉर प्रैक्टिकल पर्पस कट रहा होता है, एक्चुअल में आप कोई भी क्लाइंट का अपना काम देखेंगे तो फेयर मार्केट वैल्यू पे कट रहा होता है, यानी एफबीआर की वैल्यू पे कट रहा होता है, कलेक्ट कर रही होती है कलेक्टिंग अथॉरिटी, डीएचए है, बैरिया है, जो भी रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी वगैरह वगैरह होती है आपकी, तो सोसाइटीज होती हैं, तो एक्चुअल प्राइस पे नहीं कट रहा होता। आप लोग ये देखेंगे प्रॉपर्टी खरीदी 10 करोड़ की और टैक्स कटा हुआ है 5 करोड़ पे, तो क्यों कटता है ऐसा? क्योंकि ये देखें यहाँ लिखा हुआ है कि 3% कटेगा किस प्राइस पे? फेयर मार्केट वैल्यू पे कटेगा। तो इसलिए ये चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आप जब कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, जब कोई चीज सेल करते हैं, 2 और 3 में 236K और सी के बारे में बात की गई है, और ये बताया गया है कि एफबीआर की प्राइस पे आप टैक्स दे अदा कर दीजिएगा 3% फाइलर के केस पे, खरीदते हुए भी और बेचते हुए भी। और अगर आप जितने भी आप केसेस अपने देख रहे होंगे तो वहां पर सौदा ज्यादा का हो रहा होता है और सेल एग्रीमेंट भी ज्यादा का बन रहा होता है, लेकिन जो टैक्स डिडक्ट हो कलेक्ट हुआ हुआ होता है वो एफबीआर की प्राइस पे हो रहा होता है, ठीक है? या दूसरा तरीका लोग क्या करते हैं, सौदा एफबीआर की प्राइस पे करते हैं और क्रॉस चेक से पेमेंट भी एफबीआर की प्राइस ही देते हैं, और जो बाकी जाहिर है प्राइस तो ज्यादा होती है उसको फिर अपने पास अनऑफिशियली मैनेज करते हैं, कैश सेलर कैश दे देता है और बायर कैश ले लेता है, उसको वो जाहिर है कहीं रिपोर्ट नहीं कर सकते। अच्छा, ये चीज जरूर ध्यान में रखें, ये जो ग्रीन वाला है शेल नॉट बी लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू, तो इसलिए अगर आपका सौदा कम का भी है तो एफबीआर की प्राइस से कम नहीं हो सकती कंपोनेंट ए 236C की वैल्यू या 236K की वैल्यू। हालांकि लिखे शेल नॉट बी लेस देन, तो इसका मतलब है हायर तो हो सकती है, लेकिन ये हो सकता है कि आपके पास कभी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी आ जाए जिसके अंदर, जैसे मैं जानता हूँ एक एक साहब को, उन्होंने
उन्होंने फ्लैट खरीदा और उनका जो सौदा था वो 80 लाख रुपए पर हुआ था, लेकिन एफबीआर की वैल्यू उसकी सिर्फ आई थिंक 30 लाख रुपए थी। लेकिन उन्होंने सारा कुछ ऑफिशियलाइज किया, उन्होंने कहा नहीं मैं अपनी एक्चुअल पे टैक्स दूंगा। उन्होंने एडवांस टैक्स 236 के 80 लाख रुपए पे अदा किया, 30 लाख पे अदा नहीं किया। तो क्योंकि ये जो टैक्स कलेक्ट करने वाली एजेंसीज होती हैं ये इतना बॉदर नहीं करती कि भाई एक्चुअल सौदा ज्यादा का है तो हम ज्यादा पे, नहीं। और उनका थंब रूल ये है कि एफबीआर की वैल्यू पे टैक्स कलेक्ट कर लेती हैं 236 CB और KB। तो ये चीज क्लैरिटी हो गई। अब चौथा, वैल्यूएशन फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 11। आपको पता है सबसेक्शन 11 क्या है? सबसेक्शन 111, सॉरी 11 नहीं, 111, 111, अनएक्सप्लेन इनकम और एसेट। आपको पता है यहाँ पर कोई चीज कमिश्नर डिस्कवर कर लेता है, आपको कन्फ्रंट कराता है, ये मॉडल 3 के अंदर हम इसको बहुत डिटेल में देखते भी हैं। और तो अब अगर लेट से आपकी कोई एक एसेट आपका पकड़ा गया कि आपने एक एसेट खरीदा है और आपने रिपोर्ट नहीं किया, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? आप ये नहीं कहेंगे जी ये तो मैंने 10 लाख का खरीदा, नहीं, उसकी वैल्यू भी क्या ली जाएगी? फेयर मार्केट, बोर्ड ने जो उसकी वैल्यू मुकर्रर की गई है वही वैल्यू मुकर्रर की जाएगी। आपकी असेसमेंट होते हुए कंसील्ड इनकम जो आपकी बनाई जाएगी वो एफबीआर की वैल्यू होगी जो कि उस प्रॉपर्टी के लिए मुकर्रर की गई है। तो यहाँ ये बात की गई है। तो ये 4 मकासद हैं ऑर्डिनेंस में फेयर मार्केट वैल्यू इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं, सवाल अभी ले लूंगा आपके मैं। एक्सप्लेनेशन फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट, इट इज क्लेरिफाइड दैट फेयर मार्केट वैल्यू एज डिटरमाइंड अंडर सबसेक्शन 4-5 शैल बी फॉर द पर्पस ऑफ, मतलब फॉर कैरिंग आउट पर्पस। कहना चाह रहे हैं कि जो फेयर मार्केट वैल्यू की हमने ये आपको बताया है तरीकाकार कि एफबीआर की वैल्यू होगी और इस तरह यूज होनी है, ये सिर्फ इस ऑर्डिनेंस के पर्पस के लिए है और कहीं आप अप्लाई नहीं करेंगे। अच्छा, सबसेक्शन, अच्छा एक्सप्लेनेशन 2, इट इज क्लेरिफाइड दैट फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज 1 और 4। 1 और 4 क्या था? कैपिटल गेन निकाल रहे हैं आप, और 4 क्या है? आप कंसील्ड इनकम निकाल, कंसील कोई एसेट था कंसील हो गया, और या कोई सेक्शन 111 की प्रोसीडिंग हुई, कोई डिस्कवरी हो गई कोई मूल प्रॉपर्टी की कि भाई आपने खरीदा है आपने डिक्लेयर नहीं किया, आप वो कन्फ्रंट करा रहे हैं। तो इन दो सूरतों में क्या होगा? इन दो सूरतों को सामने रखते हुए इसको पढ़ लें। इट इज फर्दर क्लेरिफाइड दैट फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज 1, 2, 4, अच्छा सॉरी 1 और 4 नहीं, इन चारों के लिए, इन चारों के लिए क्या है? ऑफ दिस सबसेक्शन इफ द फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सबसेक्शन 4 और 5। वो कह रहे हैं कि आपने इन चारों के लिए वर्किंग करते हुए इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जो फेयर मार्केट वैल्यू निकाली है 4 और 5, 4 और 5 क्या है? अगर बोर्ड ने वैल्यू दी है तो वो ले लीजिए, अगर नहीं है तो डीसी वैल्यू ले लीजिए, अगर वो डिफरेंट है। ठीक है, किससे डिफरेंट? देन ऑक्शन प्राइस, ऑक्शन प्राइस से डिफरेंट है तो क्या होगा? द एप्लीकेबल प्राइस शेल बी हायर ऑफ 2। तो एप्लीकेबल प्राइस क्या होगी? हायर ऑफ 2 होगी। क्या होगा? मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, फेयर मार्केट वैल्यू मौजूद है तो फिर तो डीसी वैल्यू आप डिसरिगार्ड कर दें। फेयर मार्केट वैल्यू है 100 रुपए और ऑक्शन प्राइस है 200 रुपए, तो आपको ऑक्शन प्राइस लेनी है। अच्छा, फेयर मार्केट वैल्यू नहीं है और डीसी वैल्यू है फॉर स्टैम्प ड्यूटी पर्पस, वो है 100 रुपए और ऑक्शन प्राइस है 150 रुपए, तो आपने कौन सी प्राइस लेनी है? 150 रुपए की। किस पर्पस के लिए? ऊपर के बताए गए इन 4 पर्पस के लिए, 111 के लिए, 236 सी के लिए, 236 K के लिए, और कैपिटल गेन वर्कआउट करने के लिए। ये क्लियर हो गया? अच्छा, अब ऑक्शन प्राइस क्या होती है? ऑक्शन प्राइस का ये मतलब होता है, जैसे इसकी एग्जाम्पल यूं समझ लें कि जब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी फर्स्ट टाइम ऑफर की जा रही होती है सेल के लिए तो एक ऑक्शन प्राइस निकाली जाती है। जैसे कि बहरिया टाउन है, बहरिया टाउन कहता है कि भाई मैं ग्रीन हाउसिंग स्कीम लेकर आ रहा हूँ और एक हाउस की कीमत लेट से के इंस्टॉलमेंट में आप दे रहे होते हैं लेट से के 1 करोड़ रुपए। तो ये 1 करोड़ की जो प्राइस है ये ऑक्शन प्राइस है जिसको बिल्डर लेकर आ रहा होता है फर्स्ट टाइम पे कि भाई ये मैं इस प्राइस पे अपनी इस इन्वेंट्री को ऑक्शन कर रहा हूँ। तो हाँ, जब आप खरीद लेते हैं आप मालिक बन जाते हैं, फिर आप जब प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं फिर वहां पर जाहिर है ये ऑक्शन प्राइस नहीं रहती। ऑक्शन प्राइस का मतलब ये है कि वो प्राइस जिस पे आप फर्स्ट टाइम पे आपकी प्रॉपर्टी एक बिल्डर आपको ऑक्शन कर रहा है वो प्राइस आपकी ऑक्शन प्राइस कहलाती है। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 68। मैंने कोशिश की है एट लेंथ इसको हम डिस्कस कर लें। जुनेद भाई, 236 K के केस में मेंशन किया गया है कि फेयर मार्केट वैल्यू पे टैक्स बनेगा ना इसका। तो जी अगर एक डील मिसाल के तौर पे 1 करोड़ में की गई है लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू उसकी 50 लाख है, तो क्या बायर उसकी अपनी वेल्थ में टोटल वैल्यू 1 करोड़ मेंशन कर सकता है? बिल्कुल, अगर आपने 50 लाख पे होता प्रैक्टिकल यही है, आप टैक्स 50 लाख पे देते हैं 236 K का, और अगर आपका ऑफिशियल सौदा 1 करोड़ रुपए का है, क्रॉस चेक से आपने 1 करोड़ दिए तो आप प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन वेल्थ में बुक करेंगे 1 करोड़ करेंगे, नंबर 1। फिर 1 करोड़ में आप ऐड कर दें स्टैम्प ड्यूटी भी ऐड कर दें, ट्रांसफर फीस भी ऐड कर दें, इसके अलावा भी जो भी टैक्सेस वगैरह दिए हैं वो ऐड कर दें। अलबत्ता 236 K क्योंकि एडवांस टैक्स है ये तो ऐड नहीं होगा, जाहिर है। सेलर तो सेलर के एंड से इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? क्योंकि के एंड से सेलर में भी कि उसको कंसील कर रहा हो, उसने सिर्फ जो ऑफिशियल वैल्यू अपनी डिक्लेयर की हो। नहीं, देखें बात ये है, अगर आप क्रॉस चेक से पेमेंट कर रहे हैं
1 करोड़ की आपने एग्रीमेंट बनाई है, तो सेलर भी तो मतलब सेलर उसको कैसे अलग कर सकता है? आपने उसके नाम का पे ऑर्डर दे दिया, चेक दे दिया 1 करोड़ का। एक बात मैं आपको समझाता हूँ, जब भी प्रॉपर्टी का सौदा होता है ना, जो जो ये जो 2 नंबरी करना चाह रहा होता है वो बायर करना चाह रहा होता है, सेलर कभी नहीं करना चाह रहा होता। क्योंकि सेलर तो हाँ, अगर सेलर की प्रॉपर्टी कंसील्ड प्रॉपर्टी थी, छुपाई हुई है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी है तो सेलर की तो कोशिश ये होती है, भाई मेरे को 2 पैसे कम मिल जाएं लेकिन मुझे सारा का सारा अमाउंट ऑफिशियल मिले। ऑफिशियल मिलेगा तो वो कहीं बैंक में रख सकता है, कहीं उसमें प्रॉफिट बना सकता है, कहीं उसको इन्वेस्टमेंट के लिए प्लेस कर सकता है। तो ये जो 2 नंबरी कर रहा होता है एज अ बायर कर रहा होता है, क्योंकि उसको पता है बायर अगर ऑफिशियल प्राइस देगा उसकी व्हाइट मनी जाएगी, और व्हाइट मनी बनाने के लिए टैक्स अदा करना होता है। अब 1 करोड़ का सौदा है, मैं 50 लाख रुपए में कर लेता हूँ और 50 लाख ब्लैक दे देता हूँ, तो 50 लाख की व्हाइट मनी मैंने बचा ली ना, 50 लाख रुपए मैंने टैक्स अवॉइड कर दिया, जो कि गलत है। तो ये आपका जो आपने जो सवाल किया, ये बायर कर रहा होता है। तो जब बायर आपने कहा एक्चुअल 1 करोड़ कर लेगा, तो वो तो सेलर तो 1 करोड़ लेगा, खुशी से लेगा जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी। किसी और का सवाल? तो ये जो डीड बनती है सेल डीड के वाले से, ये तो उसी से लिंक होती है, वही वाली जो डिक्लेयर कर सकते हैं रिटर्न में हम बैंक में, कि जो देखें सेल डीड हाँ, बन जो गई है। हाँ देखें देखें जो डीड बनेगी ना आपकी, सेल डीड, वो अब देखें मार्केट में आपको पता है, हमें पता है कि दो दो डीड्स बनती हैं। हम उन 2 डीड्स की बात नहीं करते, हम एक ऑफिशियल डीड की बात करते हैं। जैसे कि अभी बात की भाई भाई ने के 50 लाख का पे टैक्स पे हुआ एफबीआर की वैल्यू पे, और 1 करोड़ का सौदा था। तो आप 1 करोड़ रुपए की डीड बनाएंगे तभी आप वेल्थ में 1 करोड़ रुपए लेके जाएंगे। वो डीड, वो 1 करोड़ की वेल्थ बताएगी कि भाई टाइटल आपके नाम पे आ रहा है, और ट्रांसफर हो गया, म्यूटेशन हो गई, ये आप कह लें रजिस्ट्री हो गई, और 1 करोड़ रुपए ही उसके अकाउंट से जा रहा हो। और ये भी ख्याल रखना है, जिसके नाम पे टाइटल ट्रांसफर हो रहा है, प्रॉपर्टी की जो पेमेंट है उसी के पास से जानी चाहिए। मॉडल 3 में हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, बेनामी ट्रांजेक्शन। बेनामी के अंदर ये बात हम देखते हैं कि जो टाइटल होल्डर होता है और जो प्रोवाइडर ऑफ फंड होता है वो एक ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता, बेनामी कानून मौजूद है, इसके ऊपर नोटिसेस हो जाते हैं। भले आपके भाई ने पे कर दिया, आप जाकर बता देते हैं, क्लियर करा लेते हैं अपने आप को, लेकिन बेनामी के नोटिसेस आपको आ जाते हैं। तो कोशिश ये करनी है, जितने का ऑफिशियल सौदा है उतने की ही डीड बनेगी, उतने का ही वही आदमी अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करेगा जी। और कोई सवाल है किसी का? जिनेद भाई, अगर कुछ टाइम है तो वैल्यूएशन टेबल जो आपने बताया था उसकी मजीद तफसील बता दें। जी मैं बता देता हूँ आपको। आप इसमें अब जैसे फॉर आप कोई केस बनाएं, कोई केस स्टडी बनाएं, आप मुझे कुछ बोलें, कोई केस स्टडी बनाएं, हम इसको उस पर इवेल्युएट करते हैं। चले मैं बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट, असद बात कर रहे हो, ठीक है असद भाई। फॉर एग्जाम्पल आपका एक घर है DHA फेज 6 में, और वो 2000 गज का है, ठीक है, जी बल 2000 गज का है। तो एक चीज और ध्यान में रखें, जो बड़े घर होते हैं ना वो रेजिडेंशियल में आते हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो कटिंग्स होती हैं वहां लोग रिहायश इख्तियार करते हैं, इतनी बड़ी दुकान नहीं होती। तो दुकान की जो एरिया होता है वो होता है 200 गज, 100 गज, 250 गज, 150 गज, ठीक है। तो अब हमने एक केस बनाया कि आप असद भाई का एक प्लॉट है जो DHA फेज 6 में अवेलेबल है, आप बेचना चाह रहे हैं। सेलर कह रहे हैं यार मैं आपको FBR की वैल्यू पे सौदा करूंगा, बाकी हम अनऑफिशियल रखेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू। अब आप स्टेट एजेंट तो आपको कुछ बता देगा, आप चाहते हैं मैं खुद भी वैल्यू देखूं कि भाई मेरा वाइट कितना होगा। आप उससे लड़ रहे नहीं भाई, मुझे आप सारा ऑफिशियल दो। खैर ये लड़ाई झगड़ा अपनी जगह, अब हम क्या कर रहे हैं, हम FBR की वैल्यू निकालते हैं। तो आपने ये डाउनलोड करना तो आ गया आपको, ये आपने डाउनलोड किया, अब आप क्या करें, सबसे पहले अब आपके क्या है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, आप आए फाइंड करें DHA, ये देखें डी आ गया, DHA फेज नजर आ रही है आपको स्क्रीन, जी आ रही है सॉरी। आ रही है ना, ये देखें ये आ गया DHA, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, हम कराची का देख रहे हैं, ठीक है। फेज 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आ गया 6, आपका घर इधर 6 में है, तो ये आपकी है लाइन नंबर 42। अब यहाँ पे तो बहुत सारी कैटेगरीज दी हुई है, A1, 1+ वगैरह। अब हम देखते हैं हमारी कौन सी कैटेगरी है, ऊपर जाके देखते हैं, पहला कॉलम हमें रेजिडेंशियल देखना है, पहला कॉलम रेजिडेंशियल कैटेगरी का, तो ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा रेजिडेंशियल कैटेगरी कहाँ आ रही थी, ये रही A1, और हमारा कितना है 2000 गज का हमारी हमारा जो प्लॉट मौजूद है हमारे पास। तो हमने रेजिडेंशियल कैटेगरी देख ली A1, अब हम ऊपर जाते हैं तो ये देखें A1, A1 अब हमारी, आपका हम एज्यूम कर रहे हैं प्लॉट नहीं था, घर था आपका, ठीक है, बिल्ट अप प्रॉपर्टी थी, ग्राउंड पे बनी हुई थी, घर था, सिंगल स्टोरी नहीं, मतलब ग्राउंड ग्राउंड बना हुआ था बस। तो ये कैटेगरी A1 है, और रेजिडेंशियल बिल्ट अप प्रॉपर्टी कितनी आ रही है 81,000। तो आप कैसे वर्किंग करेंगे, मैं स्प्रेडशीट निकाल लेता हूँ,
देखें आपका 2000 स्क्वायर यार्ड का की रेजिडेंशियल बिल्डअप हाउस था, ठीक है, और हमने अभी वहां पर क्या देखा, क्या थी हमारी वैल्यू पर स्क्वायर यार्ड, 51,000 81,000 थी, ठीक है, 81,000 पर स्क्वायर यार्ड, राइट। तो अब इसकी वैल्यूएशन सिंपल है, सो आप मल्टीप्लाई कर दें बस, तो ये आपकी एफबीआर की वैल्यू बनेगी। आमतौर से इसी के ऊपर मल्टीप्लाई 3%, ये 236K पे हो रहा होगा, ये फाइलर के केस में हम बात कर रहे हैं, और यही टैक्स पे हो रहा होगा 236C, ठीक है, ये फाइलर का, और अगर नॉन फाइलर का होगा मल्टीप्लाई 10.5%, और नॉन फाइलर के केस में सेलर का 6%, ठीक है। तो ये आप, और इसी तरह जो भी ट्रांसफर फीस या और चीजें होती हैं वो उसकी वैल्यूएशन कुछ होती है, वो आप देख सकते हैं, ट्रांसफर फी होती है, स्टैम्प ड्यूटी होती है, चले। तो ये आपकी वैल्यूएशन आ गई, ये आपकी फेयर मार्केट वैल्यू, इसी के ऊपर आपकी सेल डेट बन जाती है, ठीक है, और इसी के ऊपर एग्रीमेंट्स हो जाते हैं और ट्रांसफर हो जाता है, और जो भी कहानियां होती हैं प्रोसीजरल चीजें होती हैं हो जाती हैं। अब मसला ये आता है, आप सेलर है, ठीक है, आप सेलर, आप कह रहे हैं नहीं भाई मैं तो 200 मिलियन का बेच रहा हूँ ना, मुझे तुम 200 मिलियन वाइड दो भाई, मेरे को पूरे 200 मिलियन चाहिए। उसको पता है जब 200 मिलियन दूंगा तो 200 मिलियन माइनस 162 मिलियन, 38 मिलियन उसका वाइड जाएगा किसका, बायर का। तो सेलर हमेशा कोशिश करता है कि भाई मुझे, मेरा क्या नुकसान है, मुझे तो ज्यादा से ज्यादा मिले। अच्छा, सेलर आमतौर से प्रॉपर्टी बेच ही देर में रहा होता है, कैपिटल गेन में आप पढ़ लीजिएगा कि प्रॉपर्टी के केस में इतने साल के बाद कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाता है, फ्लैट के केस में 2 साल के बाद हो जाता है, प्लॉट के केस में आई थिंक 6 साल के बाद हो जाता है, प्रॉपर्टी के केस में 4 साल के बाद हो जाता है। तो ये जो दो नंबरी करेगा ना सेलर, ये उस वक्त करेगा अगर उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन टैक्स आ रहा है। हम तो ये कहते हैं भाई आ रहा है तो दे दो, क्योंकि इतना कम रेट है वो 4% और 5%, 7.5%, 10%, कि इतना तो कम रेट किसी और इनकम का है भी नहीं, तो ये टैक्स दे के आप वाइड करा लेते हैं आप अपनी इनकम को, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहरहाल फिर भी कोई कहता है नहीं नहीं हम ये कैश में ले लेंगे, ठीक है, अगर वो ले लेते हैं तो, हालांकि अपनी तरफ से गलती सोच रहे हैं, आप वो टैक्स दे के आप वाइड करा लेते हैं अपने अमाउंट को, वो बेहतर है। तो मैं इससे पहले समझाता, सेलर कोशिश करते हैं मुझे ज्यादा ज्यादा वाइट मिले, ठीक है, ये हमने एक स्टोरी बना ली, आइए हम एक और इलस्ट्रेशन करते हैं। चल अब लेट सपोज आपका, दोबारा हम आ जाते हैं, हम लेट से हम डिफेंस फेज 6 में ही था आपका असद भाई का, तो ये आ गया, ये आ गया फेज 6 में था। अब आपकी जो प्रॉपर्टी थी ना वो थी, वो फ्लैट था आपका, ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर फ्लैट कौन सा है, 1 2 3 4, हम इसमें ऊपर जाके टाइटल देखते हैं, ये देखें ये आगे फ्लैट कैटेगरी लास्ट वाली, ठीक है, नजर आ गई आपको असद भाई, ये देखें ये, ठीक है। अच्छा, अब इस फ्लैट कैटेगरी को देखते हैं हम, फ्लैट कैटेगरी में हम फेज 6 देखते हैं, तो ये आ रहा है 2 नंबर आपका फ्लैट है, लेट सपोज 1100 स्क्वायर फिट का, आमतौर से स्क्वायर फिट में फ्लैट होते हैं कन्वर्ट किया हुआ होता है, तो आप आ जाएं ऊपर तो आप देखें 2 नंबर, ये रहा 2 नंबर, ठीक है, ये कैटेगरी अब आपकी बनेगी, और फ्लैट है तो आप देखें फ्लैट कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, ये आ गया भाई फ्लैट, ठीक है, ये आ गया आपका फ्लैट 3375। अब आ जाइए हम दोबारा उस पर आ जाते हैं, अब आपका है फ्लैट, हमने कहा था 1100 स्क्वायर फिट का है, स्क्वायर फिट 3375 पर स्क्वायर फिट, और ये आपका फ्लैट था, तो ये आपकी वैल्यू देखें क्या बनी है, इसको मल्टीप्लाई हो गया और ये टैक्सेस आपके वर्कआउट हो, तो इस तरह से आप फेयर मार्केट वैल्यू निकालते हैं, ठीक है असद भाई, कुछ थोड़ी सी और इलस्ट्रेशन हो गई। जी अलहमदुल्ला, बहुत शुक्रिया भाई। जी, और किसी कोई सवाल है, आज का टॉपिक अच्छा था ना, जो नहीं आया उन्होंने बहुत लॉस किया ना आज। सर बड़ा मजे का था, और आजकल हमारे पास रिलेटेड है ये जो इस पर चल रहा है, जी हाँ, ये और बिल्कुल डन बिल्कुल बहुत प्रैक्टिकल है, और ये आज का मैं समझता हूँ ये बहुत अहम टॉपिक था, और जो नहीं आया उसने बहुत लॉस किया आज। असल में क्लास में ये होता है सर कि भी। क्लास में आपको क्वेश्चन करने का मौका मिल जाता है, और आदमी रिकॉर्डिंग में आदमी कहता है अच्छा यार जब टाइम मिलेगा तो मैं देख लूंगा, और वो टाइम मिलता ही नहीं। सही है सर। अच्छा सर, 7E का जो बनाया जाता है अभी, वो तो उन्होंने कर दिया हमारे पास, पंजाब में भी सारा 7E लागू कर दिया हुआ है, जी, तो उसमें अभी जब ये बनाएंगे, जिनका नहीं बना हुआ 7E अभी, वो जब सेल करेंगे तो उनके लिए सर्टिफिकेशन चाहिए होगी उनको, तो उसके लिए फिर उनको रिवाइज करके 7E के उसमें लगा के, जो ये वाले रेट हैं FDR वाले, तो देखिए मैं रेट आपको सेवन ई तो हम। देखिए 7E की मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। देखिए 7E होता
होता क्या है, देखिए एक वैल्यू, एक है वेल्थ स्टेटमेंट में आपने प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी शो की थी, वो आपने शो की थी 1998 में, और ये प्रॉपर्टी थी 1 मिलियन की, ठीक है। 7E आया 2022 ठीक में, हो गया। ठीक है, 2022 में आया, 2022 में। तो 7E में ये नहीं कहा कि आप 1 मिलियन पे टैक्स देंगे, 1%, 1% है ना। अब मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा कि भाई वो क्या क्या एक्सक्लूजन हैं, उसके बाद 2.5 करोड़ की अमाउंट निकाल लें, वो तो 7E का आप लेक्चर मेरा देख लें, वहां मैंने सब बताया। लेकिन अभी तो हम एक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं फेयर मार्केट वैल्यू के लिहाज से। तो अब आप 2022 में 7E कह रहे हैं आपने 1 मिलियन पे 1% नहीं देना, 7E कह रहा है आप आज की वैल्यू देखें, FMV देखें उसकी, फेयर मार्केट वैल्यू 68 की वैल्यू देखें, हो सकता है ये होगी 3 मिलियन की। तो जब आप 7E का फॉर्म भरते हैं तो आप यूं लिखा करें, लिखना क्या चाहिए, प्रॉपर्टी वहां पे दो आ रहे होते हैं, कॉस्ट फेयर और मार्केट अच्छा FMV, तो आपको ये कॉस्ट देनी चाहिए 1 मिलियन जो आपकी वेल्थ में आ रही है, ठीक है, और ये FMV वो होनी चाहिए जो कि बोर्ड ने वैल्यू निकाली हुई है 3 मिलियन की। तो इस तरह से आपको 7E की फॉर्म भरनी चाहिए एज पर लॉ। लेकिन नोटिसेस भी हमने देखे हैं और लोग भी क्या करते हैं, वो बोलते हैं अभी अच्छा, कुछ कुछ जगहों के अंदर FMV निकालना भी एक बड़ा इशू बन जाता है, हमें बाजू का टेबल में प्रॉपर्टी की वैल्यू ही नहीं मिल रही होती, फिर वहां के स्टेज एजेंट से रब्ता करते हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे समझते हैं, तो ये बाजू का हमें वैल्यू मिल नहीं रही होती, हम निकाल नहीं पा रहे। देखिए DHA कराची शहर है, लाहौर शहर है, आसानी से मिल जाएंगी चीजें, लेकिन मजाफात में बहुत मसला होता है आपको। अच्छा फिर आप क्या, हम वहां पे हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं ठीक है यार ये 1 मिलियन है, इसको भी 1 मिलियन करो, जान छोड़ाओ, बाद में होगा तो वो ठीक है, वो अफसर ही निकाले फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, अफसर भी बॉदर नहीं करता, वो भी 1 1 मिलियन पे ऑर्डर वो नोटिस करता है, कहता है इस पे रिकवरी करते हैं। तो इस पे 7E को आप देख लें, इसको अगर इसकी ये चीज देखनी है कि क्या चीज एग्जेम्प्ट है क्या चीज नहीं है, उसके लिए तो मेरा लेक्चर देख लीजिएगा, और जो फेयर मार्केट वैल्यू के लिहाज से जो बाद में बताना चाहता था शायद आप पूछ भी रहे थे, वो मैंने यहाँ आपको बता दी। ये क्लियर हो गया तो बता दें, नहीं तो मुझे बताएं, कोई और सवाल है तो बताएं।